إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करेंगे अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको सबको ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए और सब इन्जॉय करें ईद को। आज वज़ू कर लिया, कपड़े पहन लिए, अब इंशाल्लाह चलते हैं मस्जिद की तरफ नमाज अदा करने के लिए। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात कि नमाज से पहले अगर आप लोगों ने फितराना अदा नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ सबसे पहले तो फितराना अदा करें और उसके बाद नमाज ईद का आगाज़ करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कभी भूल जाते हैं लेकिन ये गरीब मस्कीन बंदों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो अल्लाह पाक आप लोगों को खुश करें और इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लिप्स में मुलाकात होती है। आज लेट होते होते बच्चे हैं चोए साहब हमारी बार वेट कर रहे हैं, तो चेक करते हैं चोए साहब के साथ चलते हैं। चोए साहब तो फिर चोए साहब ईद पहला मिलनी है या नमाज पढ़ के? नमाज पढ़ के मिलनी है। चलो जी चलिए। नमाज का असल सुन्नत और असल तरीका तो यही है कि आप एक जगह से जाएं और दूसरी जगह से आएं, क्योंकि इसका मतलब जितने बंदों से आप मिलेंगे उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल कोरोना की वजह से SOPs का भी फॉलो हो रहा है, लेकिन दूर से तो आप मिल सकते हैं, अपने बहन भाइयों से मिलें, अपने घर वालों से मिलें इस ईद पर और खुशी से गुजारें। माशाल्लाह ईद की नमाज अदा कर ली गई है और इतनी प्यारी एक फ़िज़ा बनती है, इतना प्यारा एक माहौल बनता है ना जब आप लोग मस्जिद में जाते हैं, खुतबा सुनते हैं जो कि एक वाजिब है, जो आप लोगों ने खुतबा सुनना ही है ईद पे, एक उसका एक माहौल, उसकी जो एक फ़िज़ा बनती है, आप लोग नमाज़ पढ़ के जब बाहर माशाल्लाह निकलते हैं एक डिफरेंट ही बंदे को एक ना फीलिंग आती है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी। और सबसे पहले तो मैं ईद मुबारक सबको करना चाहूँगा और ईद मुबारक मैं फ़लस्तीन को भी करना चाहूँगा। अपने दुआओं में फ़लस्तीन को, अपने मुसलमानों को, बैतुल मुक़द्दस को अपने दुआओं में लाजमी याद रखें और दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और जितने भी दुख तकलीफ़ परेशानगियाँ उनके ऊपर चल रही हैं, उनके ऊपर हो रही हैं, अल्लाह पाक जल्दी उन तकलीफ़ों को दूर करे और जो ये इसराइल और ये लोग कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद करे। आई एम उमर ख़ान, मैं हमेशा फ़लस्तीन के साथ हूँ और आई विल ऑलवेज़ स्टैंड विद फ़लस्तीन
इंशाल्लाह मुझे इसमें कोई शर्म नहीं, इसमें कोई झिझक नहीं स्टेटस देते हुए, लेकिन अल्लाह पाक हम मुसलमान होने की हैसियत से अपने बैतुल मुक़द्दस को बचाएं और अपनी आवाज़ बुलंद करें फ़लस्तीन के लिए, क्योंकि आजकल के हुक्मरान और ये लोग जो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग खड़े होकर अपने इस्लाम को बचाएंगे और हमेशा करते जाएंगे। ईद का मौका है, इसलिए हम जज्बाती हो जाते हैं अपने बहन भाइयों को, अपने मुसलमानों को देख के कि एक खुशी का मौका है, लेकिन बेचारे उधर के बच्चे किस हालत में होंगे हमें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और इंशाल्लाह आज ईद का पहला दिन और ईद उल फितर अदा कर ली गई है, इंशाल्लाह चलेंगे आगे पीछे। ईद का पहला दिन होता है तो ये फैमिली में गुजारा जाता है और खाने शाने खाते हैं, आज चीज़ है। लेकिन गरीब बंदों को आप लोग लाजमी प्लीज़ अपने इन जज्बातों में ज़रूर याद रखें। लेकिन सही बताऊँ ना, एक फ़िज़ा या जो माहौल पाकिस्तान में बनता है ना, वो इधर नहीं बन सकता, वो कहीं पे भी नहीं बन सकता। परदेसियों को लाजमी यह बात पता होगी, पाकिस्तान में वो जाते हैं कब्रस्तान जाते हैं, हम अपने अजीज़ों का जो बेचारे फौत हो चुके हैं उनके कब्रस्तान जाना और उधर दुआ करना, सारों से मिलना, एक डिफरेंट ही माहौल होता है। लेकिन चलें, अल्लाह पाक खैर फरमाए और पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला अपने इज़्ज़त और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ईद वाले दिन माशाल्लाह मीठा खाना सुन्नत है, सुन्नत को इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अच्छा जी, सारे ये तो मैंने दसो कमेंट में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि किनू किनू अच्छे भी झाका पै रहे हैं कि यार रोज़े ने ते यार, एक होता है ना कि रोज़े वगैरह गुजर जाते, लेकिन बंदा एक रोज़े रख रख के ना एक आदत पड़ जाती है कि वो रोज़े रखे हुए हैं और फास्टिंग कर रहा है, बंदा थोड़ा सा ना झाका होता है कि यार वो यार साडा रोज़ा है, वो साडा रोज़ा टूट ना जाए, तो ये तो वो मुझे ना सुबह से यही फीलिंग आ रही है बार बार, और ऐसे ही लग रहा है कि यार नहीं रोज़ा है। लेकिन अल्लाह पाक साहब को खुश रखे, मीठा सुन्नत माशाल्लाह, खीर बहुत ही मज़े की बनी है घर की खीर, और इंशाल्लाह खा के इसको भी एंजॉय किया जाएगा। सरकार बिल्कुल तुसा परेशान ही होना, इंशाल्लाह तुहानू भी खीर खिलावांगे ते आपू भी खीर खा के तुहानू दसांगे, मज़ा ही आ गया, ज़बरदस्त। कोई भी मीठी चीज़ हो, चाहे सवैयाँ हो, चाहे गजरेला या कोई भी चीज़ ऐसी हो ना, लेकिन मुझे ना खीर का बहुत मज़ा आता है, खोए वाली खीर हो ना सर, क्या ही चस वाली बात आ जाती है, पूरी एक वाइब देती है, एक मज़ा देती है। पाकिस्तान में हम लोग ना, अच्छा ये वीडियो पाकिस्तान वाले सारे मेरे बहन भाई देख रहे होंगे, लेकिन खास उन भाइयों के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को पता ही है कि हम लोग शादियों पर क्यों जाते होते थे। यकीन करें कि हमें शादियों पर बुलाया जाता था, ज़ाहिर इनविटेशन वगैरह आती है, लेकिन हमारा एक ही एम होता था कि भाई जान हमने सीटें अपनी रखी होती है बिल्कुल खीर के डोंगे के पास, हमने कहा होता था कि यार जिस टाइम भी खोले ना भाई जान कोई चीज़ आवे ना आवे खीर लाजमी ले के आनी है। और स्पेशली एक दो शिकारी बंदे मेरे अपने थे जो बिल्कुल ना जाते ही सिर्फ जड़े ना वो उन्होंने दे दियो ना एक गिलास दे दियो तो वो गिलासा में पा पा के पींदे, इतना मज़ा आता था ना यार खीर का, इतना मज़ा ना पाकिस्तान का कि बंदा क्या ही बात है। अच्छा वैसे आपस की गल है, ये जड़ा ना ढिड थोड़ा अपने तो बिल्कुल सुकून मोल खाना है, ये नहीं है कि छोरी हो जो डिचके डुचके थक के, तो माशाला जड़े हैं ना साढ़े खासकर जड़े ना असी देसी लोग असी आने भाई जाने खुल के खाओ, लेकिन रोजे शोजे रखे ना टेढ़ी शेढ़ी खराब होना के थोड़ा अपना ढिड है कि समझो, तो बाद जरा खुल डुल के खा के पर यह है कि तसली नाल माशाल्लाह खाए तो लाजमी सारे अज मौला कोल रखना है, ठीक है ये ना मैं माशाल्लाह कम लगे हो तुहाडा भी तो क्योंकि तुहाडे भरा दा जिहड़ा ना सिस्टम गड़बड़ी शुरू हो चुकी है, अजे खाया खाधा भी कोई नहीं, पर यह कि अजे सिस्टम जाहिर है उस तरह है यूज टू नहीं ना होया वापस नहीं ना आया, तो चलो की कर सकते हैं। से अगेन Hello, Eid vlog. Good. Are we making an Eid vlog today? Yeah. Who's gonna get Eid from Daddy then? Me. Do you want pecha? How much? 5. That's it. Only 5. Okay. Here you go, Putri. Is it nice? Yeah.
Who's gonna say thank you? Thank you, daddy. Good girl. चल मेरा पुत्रा. So now we off to Jodi Tarik's house. ਭਾਈ ਜੀ ਦਾਵਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦਾਵਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦਾਵਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਤੱਕਣੇ ਆ ਵਾਟਸ ਦ ਮੈਨਿਊ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਟਸ ਦ ਮੈਨਿਊ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਯਾਰ ਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁੜਤਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਸ਼ੂਮ ਲਾ ਲਿਆ ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਆਈਲ ਸੀ ਯੂ ਬੈਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੂ ਗੇਵ ਯੂ ਦੋਜ਼ ਗਿਫਟਸ ਆਈਸਾ ਐਂਡ ਤਾਰਿਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਯਾ ਗੁੱਡ ਗਿਵ ਡਿਡ ਯੂ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾ ਗੁੱਡ ਗਿਵ Mickey Mouse, you got a jacket like this as well. What? Whoa, nice. I got the boy. What's this? Do you like it? What's this? MashaAllah, so this was a beautiful dawat from my cousin, but abhi picture baki hai mere dosto. This was around 1, this is around 2 to do. What can we do? Aapke bhai ke dost, aapke bhai ke host, aur aapke bhai ki izzat karne wale hain, so you have to go. दिल थाम के बैठिए, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त. अभी एक राउंड पूरा हुआ है, अभी दूसरा राउंड बाकी है. अल्लाह के फजल से चौहान साहब के घर जो हम लोगों ने खाना छाना कर लिया है, अब नेक्स्ट दावत पे जा रहे हैं. सर ईद क्या कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं आपके भाई से, लाओ जाना पड़ता है. दिस वाज माय राउंड 2 और मज़ा ही आ गया था पी के यार. Awesome taste, desi food, no muqabla. Nice prize. Oh, mashallah, aapke bhai ko aaj apne phuppo ki taraf se Eid gift bhi mila. So unboxing karte hain. Let's check what we got today. Yeah. Isn't it, Hatija? Yeah. Let's check, beta. I'll open it for you. Yeah, you open it for me then. Good girl. Wait. Wow. Is that what we got? Yeah. Praise. Wow. You can't come up. Wait. Slowly, slowly. Slowly, slowly. Look at me. Look at me. Can I put that on you? Yeah. But eat. Yeah. So, mashallah. You're not coming up. Beautiful gift. Thank you for the gift. I give you. Yeah. She loves to unbox everything. Good gift. Can I see it? Yeah. MashaAllah. Thank you for a beautiful gift. Thank you for me. MashaAllah, it was a beautiful day today. MashaAllah, बहुत मज़ा आया. दो दावत खादियाँ तुम्हारे भरा ने, माशाला ढिड भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है. But it was a beautiful day. अल्लाह पाक सबको खुश रखे. And thanks to the both families of mine. And thanks जिन जिन्होंने ईद मुबारक दी है, जो जो मिलने के लिए आए, उन सबका शुक्रिया. Especially to my cousins, my aunties and uncles, everyone. जो 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 लोग आए हैं मिलने के लिए, भी उन्होंने विश भी किया, बहुत मज़ा आया आज का दिन. बस ईद का मकसद यही होता है कि फैमिली के साथ ही मिलें, आप लोग दोस्त यारों से मिलें और खुशी के साथ गुजारें. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी आज ईद का दिन मज़ा आया होगा. अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे. ओके सही. तो आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे इधर ही. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा. अच्छा. लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें. अच्छा कम ऑन बाय.
सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा. लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.